श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों किए गए ऐलान मुताबिक अज 8 मार्च नूं सवेरे 11 बजे तो दोपहर 1 बजे तक हरेक विधानसभा हलके विच लोकां दे भखदे होए मुद्दिआं नूं लै के जवाब मंगदा पंजाब मुहिम दे तहत अकाली नेतावां ते वर्करां दे वल्लों धरने दित्ते गए। इस दौरान संबोधन करदिआं अकाली वर्करां अते नेतावां दा कहना है कि सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों पिछलियां चोणां मौके गुटका साहिब हत्थ विच फड़ के जो लोकां नाल वादे कीते गए सन उह सारे वादे हजे पूरे नहीं होए अते पंजाब दे लोक इन्हां सारे वादिआं लई जवाब मंगदे ने। इसे दे तहत अज पंजाब भर विच श्रोमणी अकाली दल बादल वल्लों वख-वख थावां ते धरने लगाए गए। आओ तुहानूं दिखाउंदे हां बंगा गढ़शंकर रणीके खमाणो संगरूर अते राम तीर्थ तों अजीत दे पत्रकारां दी विशेष रिपोर्ट। श्रोमणी अकाली दल वल्लों बंगा दे विच कैप्टन सरकार दीआं नीतियां दे खिलाफ अते वध रही महंगाई दे खिलाफ अज धरना दित्ता जा रिहा जिहदे विच वख-वख आगू अपने विचार पेश कर रहे ने। अजीत पैब टीवी दी टीम वल्लों आओ आपां तुहानूं दिखालदे हां किस तरह उन्हां वल्लों अपना रोस पंजाब सरकार दे खिलाफ प्रगट किया जा रहा है। मेरे नाल गुरजिंदर सिंह गुरु, मैं जसवीर सिंह नूरपुर। अज जिहड़ा विधानसभा हलका च धरना जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल वल्लों पंजाब मंग दा हिसाब दे तहत जिहड़ा धरना दिता जा रहा है, पंजाब दे प्रधान श्रोमणी अकाली दल दे साडे डिप्टी CM जिन्हां वल्लों पूरे पंजाब दे विच हलका वाइज जिहड़े धरने लाउण वास्ते जिहड़ा किया गया सी उत्थे अज समुच्चा पंजाब जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह तों हिसाब मंग रिहा कि जिहड़े तुसीं गुटका सब फड़ के झूठे वादे करके जिहड़े तुसीं वादे कीते सी उह इक वी वादा तुहाडा जिहड़ा पूरा नहीं कीता गया। इस करके असीं सारे इह कैप्टन साहब नूं याद वी दिवाउने आ कि अज जिहड़ा समां सिर्फ 7-8 महीने का रह गया उहदे विच असीं बेनती करते हैं कि जिहड़े तुसीं वादे कीते आ इह वादे जिहड़े लोकां दे पूरे करो। जिते गरीब लोकां नाल बड़ा वड्डा मजाक किया गया कि तुहाडे जिहड़े कर्जे आ माफ़ किए जाने, उहनां दे कर्जे तां बेचारिआं दे की माफ़ होणे आ, उहनां दे 40% जिहड़े नीले कार्ड वी कट्टे गए, उहनां दे बेटियां दा जिहड़ा सगन स्कीम सी 51,000 रुपया कहा सी 51 पैसे भी नहीं दित्ते गए। हुण मैनूं पता लगा गया कि दोबारा फिर जुमले जिहड़े पंजाब दी सरकार ने अज फिर दोबारा कर दिते आ कि वह जिहड़े वादे कहे सी दोबारा फिर विधानसभा जज कहण लगे आ भी असीं पूरे दे पूरे कर देने। लेकिन मैं पंजाब दी जनता नूं बेनती करनी चाहुंदा कि इन्हां जुमलियां तों बचण दी लोड़ आ, पछाणना चाहीदा कौन पंजाब दे हितां दे वास्ते कुछ कर सकदा। जिथे अज गरीब लोकां दा हजूंबर कढ़िया गया उत्थे किसानी भी कोई घट नहीं, व्यापारी जिहड़े आ व्यापारी रोज़ जिहड़े आ रोज़ दिहाड़ी जिहड़े आ थले दे थले जा रहे आ। इस करके जिहड़ा साडी बेनती आ जिथे पंजाब दे विच बिजली जिहड़ी आ बेहद जिहड़ी महंगी हो गई, गरीब बंदे दा बिल तारन दा ही बड़ा औखा हो गया, पानी दा तुसीं बिल देख लो, भावें तुसीं पेंशनां ला लो, भावें 51,000 जिहड़े आपां नूं सगन स्कीम देण दी गल कीती सी, भावें उहनां ने जिहड़ी आटा दाल दे नाल जिहड़ियां बाकीआं स्कीमां साडे प्रधान जी पहलां दस भी चुके आ उह जिहड़ियां स्कीमां देसी घिओ चाह पत्ती खंड जिहड़ी देण दी गल कीती सी कित्थे इक रेते दी लुट वी नहीं दे सके। जिहड़ी गल मैं रेते दी गल कीती आ रेते दा जिहड़ा बेत्याग आ जिहड़ा माइनिंग हो रही आ पैसा कमाउण दे लक बनिया होया साढ़े लागे ही तुसीं नवांशहर हलके च जा के देख लो उत्थे देख लो घर घर जिहड़ा आवाज़ आ रही है कि जिहड़ा MLA हलके दा उहने दूजे हलका नवांशहर नूं लुट के खा लिया, रेता जिहड़ा तक जिहड़े आ उहदे अपने चल रहे आ, जिथे गरीब लोगों के जोड़े मर्डर होए आ उन्होंने पिछे हाथ भी जोड़ा इस MLA का निकल। इस करके मेरी बेनती है लोगों के सामने भी आने वाला थोड़ा जोड़ा समा रह गया वो कैप्टन तो अपन हिसाब मंगना चाहिए तो आने वाले समय से इसमें इतों पंजाब तो चलता करना चाहिए। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी। प्रधान जी जिम्मे सेंटर सरकार FCI ने जोड़ा एक नवा ही कानून लागू कर दिता कि किसानों डायरैक्ट पेमेंट की जाए आर्थिक वर्ग का वाला भी जी जिथे पंजाब की सरकार किसान का लक तोड़ रही है उत्थे सेंटर की सरकार ने कोई बाकी कसर नहीं छड़ी, जिते पंजाब के किसान जिहड़े आ 100 दिन तो उपर टाइम हो गया जिहड़े धरने ला के बैठे, अज जिहड़ा नवा उन्होंने स्कीम बना दी कल उत्थे गोली भी चलाई गई
लेकिन आ जी तुम एफ सी आई का दूजा ये नवा जरा फंडा कढ़ के लिया के भी लोगों को परेशान करके किसानों किसी न किसी ने ठालीए लेकिन किसान अज समझदार हो गया इन्होंने किसी ने समझना नहीं। 10 तरीक तो जोड़े पंजाब के जोड़े आढ़ती एसोसीएशन सारे जोड़े मंडिया बंद करके जो रोस धरने कर लगे इस मोदी सरकार का भी बटस्यापा जरा कर जिहड़ा सब तहसील टांडा के सामने जिहड़ा धरना दिता गया श्रोमणी अकाली दल वालों सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े पार्टी प्रधान की अगवाई दे विच पार्टी प्रधान के दिशा निर्देशों तहत सरदार अरविंदर सिंह रसूलपुर की अगवाई दे विच जिहड़ा जिहड़ा धरना दिता गया सब तहसील टांडा के सामने असी उन्हां नाल गलबात करते हाँ सरदार अरविंदर सिंह रसूलपुर नाल। सरदार रसूलपुर साहब कि अज का जिहड़ा धरना दिता गया इहदे संबंध में की तुसीं कहना चाहते? अज समुचे पंजाब विच सरदार सुखबीर सिंह जी अगवाई हेठ हर हल्के दे विच ये धरने दिते जा रहे हैं। ये धरने केंद्र दे जिहड़े तिन्ने काले कानून जो पिछे सवा चार साल पहला कैप्टन ने झूठ बोल के सरकार बनाई लोगों नाल वादे किए और एक भी वादा पूरा नहीं किया उहदे खिलाफ़ अज किन्हां दा बहुत वड्डे रोस धरने सारे पंजाब दे दिते जा रहे हैं। असी कैप्टन नूं इह कहना चाहुंदे हां कि जो अज की तू अखीरला बजट पेश कर रहा पिछे तो नहीं कुछ कर सकया पर अज ही कि जो वादे किए गरीबा ना किसाना ना मुलाजमान ना कोई ना कोई काम तो पूरा करके दे। सो इस करके अज वो खिलाफ हर हल्के धरने दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। अजीत वैब टीवी वेखने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों मैं हाँ तुहाडा साथी धरविंदर सिंह औलख। अज श्रोमणी अकाली दल वालों पूरे पंजाब दे विच केंद्र ते पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस मुजहरे किए जा रहे हैं। किन्हां मुद्दों नूं लैके अकाली दल इस मैदान दे विच आया? साडे नाल जुड़े ने हलका राजासांसी दे साबका विधायक ते जिला अमृतसर देहाती दे प्रधान जथेदार वीर सिंह लोपोके। असीं उहनां नाल गल करांगे। लोपोके साहब अजीत वैब टीवी दे विच तुहाडा स्वागत है जी। थैंक्स तुसीं आए जी। साडा वीर बहुत बहुत धन्यवाद। लोपोके साहब किन्हां मुद्दों नूं लैके जिहड़ा अज दा रोस मुजहरा किया जा रहा? अज का कोई मुद्दा जोड़ा है कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये महंगाई का मुद्दा और महंगाई के नाल गरीब लोग जो बिजली के बिल गिन लो रसोई गैस गिन लो होर जो निकी निकी गलां ने वह गिन लो बुढ़ेपा पेंशन गिन लो ये सारिया सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब चलती से जड़िया वीरो अज बंद हो गया। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी कैप्टन साहब ने सौ खा के गुटका साहब फड़ के लोगों को वोटा लिया सन बड़े लिफाफे बना के लोगों को प्रेरिया सी कि मैं किसानों के सारे जिहड़े ने वो कर्जे माफ़ कर दूंगा गरीबों के जिहड़े ने उन्होंने बहुत कुछ दे दूंगा 55,000 रुपया सगन जिहड़ा है अभी तो 5,100 रुपया देते सूने बता के 55,000 करता तो ताे सामने फिर पता जो 55,000 हो मूँह पानी छेटी पता लोगों गरीबों ने वोटा वो सहु खाण के गुटका साहब फड़ के उन्हें सहु खाधी सी सब लोग तलवंडी गुरु महाराज गांह करके हाथ करके सहु खाधी सी लोगों ने उसे विश्वास किया और उन्होंने लोगों के विश्वास करके वोटा लैके और लोगों ने विश्वास नहीं किया लोगों का जो मन तोड़िया अज इस करके लोग सारे दुखी होकर बैठे ने कि अभी क्योंकि 4.5 साल लंघ गए 6 महीने रह गए सारे पता नहीं 6 महीने बच्च भी पूरे होने के नहीं होने पता नहीं अज ही पटाका पैसे पिछाड़े तो सरकार जी है किस टाइम के उत्ते भी जी इलेक्शन जीडिया ने वो पास आ गई इलेक्शन बहुत जल्दी आ रही है तुम आने वाले भविख्या श्रोमणी अकाली दल की श्रोमणी अकाली दल बड़े शौक न बड़े बहुमत लोगों के सहयोग जिदा लोगों का हंगारा इस टाइम सरकार बनाऊगी और लोगों ने बनानी है ये लोगों के हाथ में सारी डोर है। मैं बेनती करता फिर लोगों भी भैन भ्राओं भी कि तगड़े हो के श्रोमणी अकाली दल साथ देन और जी सरकार है श्रोमणी अकाली दल बने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब साढ़े आने वाले मुख्यमंत्री हो क्योंकि जेडे अज लोग लांबे हुए फिरते हैं उतो वो जो दूजी सरकार बनी सी इन्होंने लोगों ने उन्होंने शाबाश ही दिता सी सुखबीर जी प्रधान जी ने शाबाश ही दी सी जे सुखबीर जी प्रधान साहब ना आप इलेक्शन ना लड़ते ना ये काम करते तो दूजी सरकार नहीं सी बन सकती
सो इन अभी बधाई देने अब भाव जो मर्जी वो आखी जान पर सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने जिन्हें आ सड़क बनाईया ने तुम वेख लो बठिंडा तक सड़क को लो ये सारिया सुखबीर सिंह बादल साहब दियाँ जो साढ़े दरबार साहब तो आने तो बाहर जो निकलते आप सुंदरता बधाने वास्ते ये कोई अभी उत्ते सहान नहीं किया असी गुरु महाराज के सिर झुका के जिनी वो सेवा हो सकी है ये श्रोमणी अकाली दल ने की है और सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने की। जे हल्के के विकास कार्यों की गल की जाए तो तुम की वेखते हो ये तुम जो काम किए उस तो बाद हल्के के चौदह साल साढ़े चार साल के बारे की कहना चाहो और लोगों ने होना वोटा आनिया ने उस लेखा जोखा जोड़ा है वो उन्होंने कर देना है क्योंकि जे उन्हें काम किया हो तो लोग जरूर उन्होंने मूँह लाने लोगों ने उन्हों मैं नहीं कहता जो लोगों की आवाज़ सुन रहा मैं उन्होंने लोगों ने मूँह नहीं लाना अच्छा श्रोमणी अकाली दल वालों समुचे तौर के उत्ते सारे पंजाब अज कैप्टन सरकार के झूठे वादा के खिलाफ केंद्र की सरकार के खिलाफ काले कानूनों के खिलाफ तेल दी कीमतों के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल वालों मुजहरे किए जा रहे हैं। कैप्टन साहब ने बड़े बड़िया बड़िया गप मार के घर घर नौकरी बुढ़ापा पेंशन बढ़ा के 51-52 हज़ार रुपये दलित भरावान की बच्ची के शगन अजे लारे लप्पे ला के नौजवानों 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता 55 लाख नौकरियां ये सारे करके सरकार से बैठका 4 महीने च उन्हें किसी की खबर नहीं ली। अज उस सुते पे जगाने वास्ते असी सारे पंजाब श्रोमणी अकाली दल के वर्कर के आगू साहबान इसलिए उन्होंने आवाज़ पहुँचाने लिए आप मेमोरेंडम दे के चले हाँ कि शायद उन्होंने कोई सोझ ही आ जाए इन्होंने दिनों भी कोई लोगों का फायदा कर जा उम्मीद तो उन्होंने तो नहीं है पर फिर भी असं अपना फर्ज पूरा करते हैं। उस तो बाद जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार आएगी असी वो वादे अनुसार जो करा पूरे करा जिहड़ा किसानों का जिहड़ा प्रोटेस्ट है लंबे समय तो चल रहा है 101 दिन हो गए अज्ज जिहड़ा है दिल्ली के बैठे किसानों नूं केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही हैगी और जिहड़ा कांग्रेस सरकार हैगी वह भी नहीं कोई उपराला कर रही हैगी जी गल ये है कि सरकार तो फिक्स मैच खेड रही है केंद्र की सरकार तो पंजाब की सरकार फिक्स मैच खेड रही है तो उन्होंने केंद्र की सरकार ने अड़िया रवैया फड़िया तो देश के प्रधानमंत्री को कदे भी अड़िया रवैया नहीं चाहिए उन्होंने देश के लोगों के हित रखने चाहिए ने ये टैक्स जोड़ा पैसा वो कहें उन्होंने बाप का पैसा नहीं लोगों के टैक्सा का पैसा है जिसके उत्ते उन्होंने खर्च करना है इसलिए एक वर्ग को मार के बिल्कुल उन्हें तबाह करके किसी ने लिखा सी कि प्रेजेंटली कंट्रीज प्राइड वंस डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी रिवाइव हर चीज़ा नवी बन सकदियां ने दोबारे पैदा हो सकदियां ने तो जे किसानी किरा उजड़गी ना मुड़के ये किसानी नहीं जिंदा नहीं मुड़के हो सकनी इसलिए असं उन्होंने कह रहे हैं कि जिदा छोड़ो बड़ी देर श्रोमणी अकाली दल ने जतन किया क्योंकि लंबा समा का उन्होंने समझौता से कि असी सू कहे कि क्योंकि झूठ वो भी बोलते हैं जिम्मे कहीं पंजाब वाला बोलता कहते रहे हाँ जी जो बिल आऊगा पार्लीमेंट के उदो सारिया गल् मन लवेंगे और जिद बिल आया जो गल् ना मनिया श्रोमणी अकाली दल ने अपना रास्ता भी तोड़िया श्रोमणी अकाली दल की मैंबर कैबिनेट की मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने अपना अस्तीफा भी दिता अज भी असी समुचे देश के किसानों के नाल श्रोमणी अकाली दल खड़ा क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बेसिक तौर के उत्ते किसानों की जथेबंदी जाने जाता और किसानों के लिए असी सारा कुछ दिन रात करते रहे किसानों बड़े बड़े फायदे श्रोमणी अकाली दल की सरकार के हुए हैं। अज भी असी मांग करते केंद्र सरकार को कि अपना अड़िया रवैया छड़े किसानों की मंगा मन के उन्होंने आप अपने घर भेजे जो अगे सीजन आ रहा है जी बाढ़ी का सीजन आ रहा है जेकर मंडियों के कोई भी प्रबंध नहीं किए जाते सरकार वालों तो अकाली दल वालों किस तरह का प्रोटेस्ट किया जाऊगा किस तरह की मदद की जाऊ किसानों की असं सरकार मजबूर करा जो खरीदे कम सरकार का जब सरकार छड़ के जाए फिर असं आपे देख लाँगे जो हूँ सरकार जी ने ज वोटा लेके गए हैं लोगों दियाँ जो प्रबंध ना करे फिर सानू असं उन्होंने मजबूर करा सरकार छड़ के जाओ असं आपे प्रबंध कर लवेंगे सरकार योग प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब उन्होंने जो पंजाब के सारे हल्के उन्होंने अगुवाई के थले रोस धरने का प्रोग्राम उन्होंने दिता है वह अज आप इतने हल्का जारी पिंड माना वाले रोज सब आप सारे इतने बैठे हैं रोज
ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੀਮ ਔਰ 53,000 ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 2500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘਿਓ ਪੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਐਸੀ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ
सारे देश के जो बिजली देश के 28 सूबे ने लगभग 28 नती और सब तो वध बिजली बाल साहब ने साहब सुखबीर सिंह बाल साहब ने वो बिजली पैदा करके पेश करते कि सतलज पंजाब बिजली और खेती जारी 24 घंटे भज पी सारे डेरे कले कले डेरे सारे पिंड और नर्सरी और 24 घंटे बिजली मिली थी कले पंजाब और कले पंजाब सूबे मिली है और दिल से ढे श्रोमणी अकाली दल की और अज सब तो वध बत्ती महंगी है बिजली महंगी है और भी लोग पंजाब के बच्चे और साड़ी बदकिस्मती के बिजली बनाई वध बिजली पैदा वध की और बाद के बेचे जा रहे हैं पर पंजाब के लोगों की सब तो महंगी जी बिजली है बिना लड़ी पै रही है अज बिजली के बिल नहीं तर रहे और कई मीटर लत के मीटर ला के लै गए और बिलों के हजार च लख बिल आने जो शुरू हो गया अज उन्होंने भी अच्छा जो धरना श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल होना ने जो कॉल दी है कि हर हल्के कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ धरने दिते जान अज हलका पद्धर से धरना गढ़शंकर विखे दिता गया जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 साल पहला पंजाब के लोगों ने बहुत बड़े धोखा करके तलवंडी साबो विखे हाथ के तुरकी पानी गुटका साहब जाके सहुं खाधी सी कि घर घर तक मैं नौकरी दूंगा और जिते किसान का आरती का नैशनल बैंक का जो भी कर्जा है कोपरेट का कर्जा सारा ही माफ़ करूँगा कि जड़िया सरदार सुखबीर बादल ने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने आडा दाल स्कीम शुरू की खंड घ्यो तो चाह पत्ती भी देनी है तो जिते बहुत व्डे व्डे वायदे और पंजाब के लोगों ने किए जी पेंशन है वो 2000 बेरोजगार 2500 सघन स्कीम जी 51,000 रुपया मैं करूँगा और 4 साल बीत गए झूठी सहुं खा के कोई भी वायदा पूरा नहीं किया इस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जो यो लूंबड़ चालां वो लोगों के सामने आ चुकी एक प्रशांत किशोर जिन 2017 के बीच धोखे के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों ने रल के पंजाब के लोगों का धोखा किया हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने फिर अपना ला लिया कि हुण फिर कोई ना कोई चाल पंजाब के वे लोगों के नाल खेडण वास्ते ये प्लैन बनाए जा रहे हैं इस करके अज तेल के रेट जिहड़े आ अज असमाने चढ़ चुके आ गैस के रेट वध चुके आ और मोदी सरकार जो काले कानून ला लिया के किसानों के नाल बहुत बड़ा साढ़े नाल धोखा हो रहा और इन्हां दे खिलाफ अज रोस धरना दिता जा रहा अज लोगों का जिहड़ा किचन का जिहड़ा रसोई का खर्चा वह भी इन्होंने बजट बिगाड़ के रख दिता इस करके जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले समय चालना करने वास्ते अच्छ पंजाब के लोग ताबले आ जिथे साडा मुलाजम वर्ग आ मुलाजम वर्ग अच्छ दुखी बैठा और मुलाजम वर्ग दिया जिंदियां रहता वो बहुत इन्होंने वापस ले लिया कोई नौकरी नहीं दी इस करके मुलाजमान दहुत जॉबा आ वह भी वक् वक् महकमें डिजोल्व कर दतिया इस करके मुलाजम वर्ग भी अब देख रहा कि कदों इलैक्शन आए तो कैप्टन सरकार को चलता करने वास्ते अज मुलाजम भी तत्पर पंजाब के लोग इन्हों चलता करने वास्ते तत्पर बैठे आ इस रोज के अज बड़े पद्धर से हलका बाई धरने से जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।